विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने SSP को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगामी त्योहारों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक ज्ञापन हस्तगत कराया। ज्ञापन में कहा गया कि आगामी त्योहारों के मौके पर प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था को मुख्य रूप से देखा जाए। आगामी ईद पर प्रतिबंधित पशुओं को कुर्बानी के लिए न काटा जाए और सड़कों पर उनके अवशेष न फेंके जाए। इससे समाज में गलत संदेश जाता है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों सड़कों पर किसी प्रकार की कोई कुर्बानी न दी जाए एवं किसी प्रकार की नई परंपरा का निर्माण न हो सके। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पुलिस फोर्स की अतिरिक्त व्यवस्था कर शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए पुलिस गश्त को बढ़ाया जाना भी समाज के हित में आवश्यक है। जैसा कि 1 तारीख को ईद है और देखने में आता है ईद पे करोड़ों पशुओं की कुर्बानी त्योहार के नाम पे दी जाती है। उस कुर्बानी में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी भी दी जाती है। जैसे गाय को हिंदू समाज माता के रूप में पूजता है, आराध्य मानता है, ऐसी गौ माता की कुर्बानी भी ईद पर दी जाती है। अभी फिलहाल में देखने में आया कि कटघा थाना के क्षेत्र कोट में और भोजपुर में 100-150 गौवंश कटे नदी में बहते पाए गए। हमने आज DM साहब को और कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है कि ईद पर गोहत्या ना हो, गोहत्या पर तत्काल रोक लगे। और हमने ये भी कहा है कि जो गौशालाएं फर्जी तरीके से चल रही हैं और गाय को बेच रही हैं, ऐसी गौशालाओं पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए।